ओके सो EIGRP सीरीज की इस अगली वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं EIGRP के मैट्रिक्स के बारे में, है ना। तो OSPF की जैसे अगर आपको याद हो तो उसमें एक सिंपल सा फंडा रहता था कि मैट्रिक किस पे बेस्ड थी, आपकी कॉस्ट, एंड जो कॉस्ट डिपेंड करती थी आपकी सिर्फ एक ही पैरामीटर था, वो था आपका बैंडविड्थ वाला, है ना। तो डिकास्ट्रा एल्गोरिदम बैंडविड्थ के बेस पे अपना बेस्ट पाथ सिलेक्शन करता है, पर लेकिन ये माना जाता है, ये बोला जाता है कि EIGRP की जो मैट्रिक है दैट गिव्स यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल इन कंपैरिजन टू OSPF। और उसका रीजन है कि जो EIGRP की मैट्रिक है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन सिंगल पैरामीटर, है ना। तो यहाँ पे ये पांच पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है और उनको बोला जाता है कलेक्टिवली एज के वैल्यूज, है ना। तो पहली के वैल्यू है आपकी बैंडविड्थ जो कि OSPF में भी है, दूसरी है रिलायबिलिटी K2 जिसको बोलते हैं, डिले, लोड एंड MTU, है ना। तो इनमें से बाय डिफॉल्ट जो EIGRP यूज करता है इट मेक यूज ऑफ बैंडविड्थ एंड डिले, तो जो बाकी है वो सारी क्या रहती है तुम्हारी लेट्स से उसका यूज नहीं होता है। ओके इसके जो फॉर्मूला की कैलकुलेशन में है ना, ड्यूअल जो एल्गोरिदम जिस पे काम करता है आपका EIGRP प्रोटोकॉल, उसमें बाय डिफॉल्ट सिर्फ कितनी पैरामीटर यूज होंगे, आपका बैंडविड्थ एंड डिले। ओके सो दैट्स व्हाई अगर आप बाइनरी की लैंग्वेज में बात करेंगे तो वन इनके लिए लिखा जाता है जो कि यूज होती है ऑन, और ये बिट इनकी क्या रहेंगी, ऑफ, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट यूज नहीं होती। हाँ आपको अगर मैनिपुलेशन चाहिए है, आपको अपने हिसाब से बिहेवियर रखना है EIGRP का, देन यू विल मेक देम ऑन एंड ऑफ, यू नो, लाइकवाइज। अच्छा तो एक तो ये बात होगी, दूसरा इनमें अगर आप देखोगे कि मीनिंग क्या है हर एक के, सो बैंडविड्थ तो आपको पता ही है, ठीक है जी, डिले आपको पता होगा। तो अच्छा इनका थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे आइडिया ले लूँ तो बैंडविड्थ डिले, अच्छा यहाँ पे मैंने शायद ना एक आगे डायग्राम बना के आपको मैट्रिक कैलकुलेशन करके बता रखी होगी, तो चलिए यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करते, उसी में बता दूंगा सारा का सारा, है ना। और ओके तो आगे बढ़ते हैं, तो अभी तो हमने जस्ट क्या जाना है कि कितनी पैरामीटर्स हो सकते हैं आपके EIGRP में जिनके बेस पे ये आपका, यू नो, कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डेफिनेशंस लिखी है, आप देख लीजिएगा, MTU, रिलायबिलिटी, ये हम सब कुछ कर चुके हैं पहले, आई गेस इनमें आपको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। व्हाट इज रिलायबिलिटी, ओके। फिर दो तरह की है, फिक्स मैंने बताया जो बाय डिफॉल्ट यूज होती है, वेरिएबल जिनको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, दोज आर, यू नो, K2 जो आपकी रिलायबिलिटी, लोड एंड MTU वाला आता है, ठीक है जी। सो बाय डिफॉल्ट ये काम करता है आपका, यू नो, दो पैरामीटर यूज करता है, डिले एंड बैंडविड्थ, तो जी ये और भी सपोर्ट करता है पांच, तो चलिए तो वही बात हो गया ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या यूज हो रहा है आपका ये। ओके आगे बढ़ते हैं कुछ और इसमें अगर ऐसा है तो, फॉर्मूला विद डिफॉल्ट वैल्यूज, तो फॉर्मूला क्या बनता है ऐसे, 10^7 बाय बैंडविड्थ प्लस डिले बाय 10 × 256। तो ये आपको याद नहीं रखना, और मैं अगर इसको ना भी लिखता यहाँ पे तब भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, और पूरा फॉर्मूला तो मैंने लिखा भी नहीं है जिसमें पांचों के वैल्यूज का जिक्र होता है यहाँ पे, ये सिर्फ फॉर्मूला किसके लिए है, जिसमें आपकी डिफॉल्ट के वैल्यूज की बात हो रही है ना, बैंडविड्थ की और डिले की। तो हम लोड, रिलायबिलिटी एंड MTU का जिक्र नहीं कर रहे। तो यहाँ पे बैंडविड्थ की बात क्या करता है वो, कि आपका जो लोवेस्ट बैंडविड्थ है जिसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं नेटवर्किंग की लैंग्वेज में, आपका बोटल नेक, ठीक है। तो अभी बताऊंगा आपको जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझेंगे कि कैसे वो कैलकुलेट करता है आपका ड्यूअल एल्गोरिदम, और डिले क्या होता है टोटल, चलो अभी मैं इस पे नहीं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। ओके तो आगे बढ़ते हैं, ये कुछ वैल्यूज हैं जो अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ड्यूअल एल्गोरिदम जब कैलकुलेशन करता है अपनी तो उसके अंदर ये सब इंक्लूडेड होता है, उसको पता है कि अगर मेरा लिंक सीरियल है जिसमें मुझे काम करना है, जिसके लिए मुझे मैट्रिक या कोस्ट निकालनी है, तो उसको पता है कि इसकी बैंडविड्थ डिफॉल्ट इनहेरेंट क्या है, 1.544 है, तो इसकी ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा आएगी, हाई स्पीड लिंक की कॉस्ट कम आएगी, इसलिए हाई स्पीड लिंक हमेशा प्रेफर्ड होते हैं आपके लोअर स्पीड वाले लिंक्स के कंपेरिजन में। ओके ये थोड़ा से अच्छे पॉइंट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे राउटर कभी भी अपनी मैट्रिक शेयर नहीं करता अपने नेबर राउटर के साथ, है ना, कि भाई मैंने ये मैट्रिक, मान लो मेरी ये कॉस्ट आई है वहां तक जाने की मेरी ये कॉस्ट आई है, नहीं, ये क्या करता है अपने जो पैरामीटर्स, अपनी जो के वैल्यूज है वो शेयर करेगा, और उनके बेस पे फिर जितने भी राउटर होंगे नेबर वाले वो अपनी अपनी मैट्रिक निकालेंगे, है ना। तो हम इसको समझेंगे आगे आने वाले कुछ टाइम में कि AD, RD और FD की लैंग्वेज में ये सारा का सारा काम होना है हमारा, ठीक है।
ओके तो यहाँ जरा देखिए एक बार कि आपके पास ये एक सिनेरियो है सिंपल सा, और इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि जी आपके 3 राउटर्स हैं और यहाँ पे लिंक्स दिए हैं कुछ, और हर एक लिंक की रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ बैंडविड्थ एंड डिले यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे इस लिंक का जो बैंडविड्थ मैंने रखा हुआ है 10^5 Mbps, डिले है आपका 100 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, यहाँ की बात करोगे आप इस लिंक की तो बैंडविड्थ है ये वाली और डिले है ये। इस लिंक की बात करोगे ये बैंडविड्थ दिया है और ये आपकी डिले दिया है। चलिए तो जब पैकेट यहाँ से रीच करता है आपके राउटर पे, ओके, तो इस वाले लिंक के लिए जब वो मैट्रिक कैलकुलेट करेगा इसको एज अ डेस्टिनेशन मान के, तो उसमें बैंडविड्थ की वैल्यू क्या पुट करेगा वो, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही बैंडविड्थ है ना R1 के पास इस लिंक की, तो यही एक सिंगल बैंडविड्थ है, तो यही इसके लिए क्या है लीस्ट बैंडविड्थ है ना, लोवेस्ट, और डिले इसका यही टोटल डिले होगा। अब ये बात आती है कि जब यहाँ से राउटर आगे जाता है ना, अब इसको काउंट करना है इस लिंक के लिए आपकी मैट्रिक है ना, तो यहाँ से ये और ये दो लिंक है, तो ये एज ए सोर्स माना ये एज ए डेस्टिनेशन मानोगे, तो इनमें से लोवेस्ट बैंडविड्थ कौन सी, आप ये समझ के चलिए। तो ये 10^5 है, ये 10^3 है, तो इस लिंक की बैंडविड्थ क्या हुई अभी कम, तो ये मान लिया इसने बैंडविड्थ, और यहां तक जाने के लिए वो डिले कितना हो गया उसका टोटल, यहां से यहां पहुंचने में 100 माइक्रोसेकेंड लगे और यहां से यहां जाने में उसको 110, मीन्स टोटल प्लस 100 प्लस 10, तो यहां से मतलब क्या हो रहा है हमारा सीधा सा, अगर आप समझेंगे कि देखो ये जो लिंक है ना इसकी स्पीड कितनी है, मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में बात करता हूँ, 1000 Mbps है, तो इसकी लिंक है आपकी कितनी स्पीड है ये वाली है ना, तो क्या भाई ये लिंक आपका इस स्पीड से डेटा भेज सकता है, बिल्कुल भी नहीं भेज सकता, इसकी मैक्सिमम स्पीड ही यही है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो आपके नेटवर्किंग में स्पीड है ना वो डिपेंड करती है आपके जो कम से कम स्पीड वाला लिंक कितना है, तो उसी के बेस पर डिसाइड होता है कि आप मैक्सिमम उस पूरे नेटवर्क टोपोलॉजी में उस स्पीड से ही आप डेटा ट्रांसफर करवा सकते हो। ठीक है, तो ये तो होगी स्पीड की या बैंडविड्थ की बात, जो यहाँ पे मैट्रिक में वो यूज करेगा, तो फॉर्मूले में वो बैंडविड्थ में इस वैल्यू को रखेगा जो हमने लिखा था ना, बैंडविड्थ 10^7 बाय बैंडविड्थ प्लस डिले बाय 10, तो बैंडविड्थ होती है लोएस्ट ऑफ द लाइन और लिंक, एंड डिले होता है टोटल, तो ये क्या होगा लोएस्ट, तो टोटल मतलब यहां तक आने का 100 प्लस 10, तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। इसी तरह से आप अगर पोज करके नीचे ना देखते हुए आगे वाले का ट्राई करेंगे तो आपको अपनी बैंडविड्थ और डिले की वैल्यू मिल जाएगी यहां से लेके यहां तक की। सो बैंडविड्थ इसमें इसमें और इसमें कौन सी लोअर है आपकी, 100 Mbps, और डिले कितना होगा 100 प्लस 10 प्लस दिस 1, तो ये बन जाएगा आपका टोटल डिले। तो ये देखो हर एक लिंक की अलग अलग यू नो आपकी मैट्रिक्स आई हुई है, ठीक है, अलग अलग राउटर्स के लिए अलग अलग डेस्टिनेशन तक जाने के, मतलब इस R1 को इस डेस्टिनेशन पे जाना होता तो क्या होता, इस डेस्टिनेशन पे जाना होता तो क्या वैल्यू आती मैट्रिक की, तो इस तरह से सारा का सारा यू नो हर एक राउटर हर एक डेस्टिनेशन के लिए अपनी अपनी मैट्रिक कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो जब हम डेटाबेसिस की बात करेंगे कि भाई आपका यू नो क्या बोलते हैं उसको टोपोलॉजी टेबल राउटिंग टेबल, उसके ऊपर जब आपके एल्गोरिदम ड्यूअल काम करता है, तो उसमें ये सब चीजें डिस्कस करूंगा, बताऊंगा मैं कि कैसे आपका यू नो इट ऑल वर्क्स इन एक्चुअल, है ना, तो बैकग्राउंड तो मैंने देख लिया पर इसका एक्चुअल आपके रूट सिलेक्शन पे और उन सब पे क्या फर्क पड़ने वाला वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको जानकारी लेनी है कि भाई आपका डिले और वो सब कितना है, तो सिंपल ये कमांड चला दीजिए ये वाली या फिर ये वाली, है ना, तो मैंने बोला था इसको ज्यादा रिलेट हम तभी कर पाएंगे जब हम OSPF सॉरी EIGRP के डेटाबेसिस पढ़ेंगे ना, टोपोलॉजी टेबल राउटिंग टेबल और उनकी रेलेवेंस, देन इट विल मेक मोर सेंस। बट यस दिस इज अ कमांड यू कैन चेक कि आपका एक्यूमुलेटिव डिले एंड मिनिमम बैंडविड्थ वो कितनी, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये वाला। कैसे, तो चलिए आई गेस अभी बात कर लेते हैं कि कैसे वो AD RD एंड FD कैलकुलेट करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज है EIGRP की, और ये पॉइंट मैं अगेन वापस आऊंगा इस वाले पॉइंट पे, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो EIGRP मैट्रिक कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं एक बार, कि भाई ये मैंने एक सिंपल सा सिनेरियो ले लिया EIGRP के अंदर, तो जिसमें कि ये सोर्स राउटर है मेरे पास, मान लो यहाँ से कोई पैकेट चलना है, ये डेस्टिनेशन राउटर है, यहाँ पे मेरे को कहीं पे जाना है, ये आपकी यू नो डेस्टिनेशन रूट है। अच्छा जी, यहाँ पे भेजने के लिए जब आपका राउटर पे पैकेट यू नो इन करता है किसी भी इंटरफेस पे, तो इसको अब एक डिसीजन लेना है कि भाई यहाँ पे भी EIGRP चल रहा है,
EIGRP पूरी टोपोलॉजी में जितने भी आपके नेट सॉरी राउटर्स हैं हर जगह आपने EIGRP रन कर दिया। EIGRP रन करने का मतलब सिंपल सा क्या है, ड्यूअल एल्गोरिदम रन करना है ना। अच्छा जी, अब ये कैलकुलेट कर रहे हैं अपनी ये AD एंड FD, चलो इनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ये कैसे काम करता है ना EIGRP, अगर मैं थोड़े से आपको बिल्कुल इजी वर्ड्स में बताऊं। जैसे ना मेरे को मैं यहाँ पे हूँ, मान लो जी मैं हूँ अपने HR हरियाणा में, अपने घर पे हूँ है ना, और मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को ना कहाँ जाना है, कोई ज्यादा ओवररेटेड हाइप वाली जगह ना हो, क्या मान ले है ना, मेरे को कसोल जाना है फॉर एग्जाम्पल है ना। चलिए तो ये मेरी डेस्टिनेशन होगी। अब मैं हूँ यहाँ पे, अब मेरे पास दो तीन दोस्त है, मैं कभी गया नहीं हूँ और कितना डेस्टिनेशन और ये सब मुझे नहीं पता है। तो मेरा एक दोस्त है चंडीगढ़ में, ठीक है मिस्टर दीपक, और मान लो कि मेरे पास एक मेरा फ्रेंड है अम्बाला में फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं तो कितना रेलेवेंट है नहीं एग्जाम्पल, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको जो फंडा समझना बस उस पर ध्यान देना है ना। अगर आप चंडीगढ़ से फिर बोलोगे सर चंडीगढ़ अम्बाला तो एक ही उस पर पड़ते हैं ना रूट पे। अच्छा अब मान लो मेरा एक फ्रेंड है, कहाँ पे है वो फॉर एग्जाम्पल, वो मेरठ से है, ठीक है चलिए जी ठीक है साहब, तो पता नहीं वो कहाँ से, मेरठ से तो नहीं होंगे शायद। तो जी यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह मैं अपने दोस्तों को फोन करता हूँ। इसने बोला चंडीगढ़ वाले ने कि भाई यहाँ से अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे यहाँ से और जो मेरी डेस्टिनेशन है मतलब जहां तुम्हें जाना है कसोल, वो पड़ता है जी आपका 100 किलोमीटर, ठीक है। अब अंबाला वाला दोस्त पड़ता है कि भाई मैं ये तो नहीं बता सकता टोटल कितना पड़ेगा, पर मैं ये बता दूं कि मेरे यहाँ से पड़ेगा 150 किलोमीटर, और जो मेरे मेरठ वाले दोस्त हैं भाई साहब वो कहते हैं कि मेरे यहाँ से पड़ेगा 200 किलोमीटर। अब मुझे ये देखना है कि मेरे यहाँ से चंडीगढ़ जाने में कितना टाइम लगता है या फिर कितना डिस्टेंस है। तो मैंने देख लिया कि यार मेरा ना यहाँ पे पड़ता है 100 किलोमीटर है चंडीगढ़ तक जाने का, ठीक है। अम्बाला जाने का मैंने देख लिया मेरा 75 या 50 पड़ता है, और यहाँ से मेरठ जाने का मैंने देख लिया जी मेरा 90 पड़ता है। अब ये जो वैल्यूज है ना आपकी EIGRP के टर्म में, तो जो राउटर बताएगा नेबर वाला, तो R1 को जाना था R6 तक, तो R2 से पूछेगा, R2 कहेगा भाई यहाँ से यहाँ तक की जो कोस्ट है जो मैट्रिक है ना उसको ये बोलता है AD, क्या होगी AD वैल्यू, एडवर्टाइज्ड डिस्टेंस। तो ये इसको एडवर्टाइज करेगा यहाँ से यहाँ तक जाने का इतना आपका क्या बोलते हैं कोस्ट है या फिर मैट्रिक है, सीधी सी बात है। तो इसने बता दिया 100 है जी, ओके। और इसी तरह से एक और राउटर है जिसके नेबर में है वो है R4, ये कहेगा कि यार यहाँ से यहाँ तक की मेरी कितनी है फॉर एग्जाम्पल वो 150 है, AD एडवर्टाइज डिस्टेंस या रिपोर्टेड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये क्या हुई, नेबर से डेस्टिनेशन तक जाने की कोस्ट या मैट्रिक, ओके। अब R1 डिसाइड करेगा कि यार मेरी मैट्रिक क्या है यहाँ से यहाँ तक जाने का, और वो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया पहले ही, कैसे करेगा, इसकी बैंडविड्थ देखेगा और फिर इसका डिले देखेगा है ना, दोनों का फॉर्मूले में रखेगा वैल्यू निकाल देगा। तो इसने क्या कर दिया भाई, AD 200 है, FD 500, मतलब इसकी जो यहाँ की मैट्रिक होगी वो 300 थी। तो टोटल को जब आप ऐड करोगे AD जो आपने अपने नेबर से मिली थी डेस्टिनेशन तक जाने की, प्लस आपकी आपके नेबर तक जाने का डिस्टेंस या मैट्रिक, दोनों को जो आप ऐड करोगे एक्यूमुलेटिव है ना, तो वो हर एक पाथ के लिए ऐड कर लो। मान लो इसकी क्या है आपकी आगे 500, और हो सकता है कि यहाँ पे 150 है ये और इधर लेकिन तुम्हारी 350 है लोकल अपने राउटर से नेबर तक, तो टोटल कितना हो गया आपका 400 500, तो ये मान लो ज्यादा है ये 450 है, तो टोटल या एक्यूमुलेटिव अगर आप देखोगे कितना बना 600। अब देखो जी ये मैट्रिक कम है या ये मैट्रिक या ये कोस्ट कम है ना। तो R1 के लिए अपर वाले पाथ की जो मैट्रिक हुई लो, और इस वजह से जो लोवेस्ट पाथ की मैट्रिक है या कोस्ट है EIGRP की लैंग्वेज में, उसको हम बोल देते हैं जी FD, फिजिबल डिस्टेंस। तो लोवेस्ट मैट्रिक ऑफ EIGRP, जो बेस्ट पाथ है उसकी मैट्रिक क्या बोली जाती है, फिजिबल डिस्टेंस। और अभी AD का क्या मतलब हुआ कि वो डिस्टेंस जो रिपोर्ट करी होगी, वो मैट्रिक जो रिपोर्ट करी होगी उसके नेबर्स ने, और AD हर किसी के पास से आएगी, हर एक नेबर जितने भी जुड़े हैं ना एक राउटर के पास से, हर किसी से AD आएगी, पर उसमें अपनी कोस्ट या अपनी मैट्रिक जोड़ के जो लीस्ट होगी उससे जो बनेगी मैट्रिक टोटल डेस्टिनेशन तक जाने की, उसको बोलते हैं FD। और हर एक राउटर अपने आप से आगे तक जाने की FD कैलकुलेट करता है डेस्टिनेशन की तरफ, और ऐसा हर एक राउटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली है, ये राउटर बाय राउटर होता है, इसको मैं लैब जब करेंगे तो समझेंगे इस वाली बात को। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि EIGRP की मैट्रिक क्या है, FD क्या है, AD
और इसको एडी बोल लो या फिर आपका आरडी बोल लो, है ना। चलिए जी, तो अच्छा एक और बात यहां पे आती है कि जो बेस्ट पाथ है उसको ईआईजीआरपी में क्या बोला जाता है, आपका सक्सेसर। ठीक है, चलिए ओके। आगे बढ़ते हैं, तो EIGRP allows us to identify which, अच्छा ये यहाँ पे बात कहना क्या चाह रहा है कि भाई आप अपने हिसाब से भी मैनिपुलेट करवा सकते हैं। तो पिछली स्लाइड में मैंने क्या बताया था आपको, EIGRP मैट्रिक कैलकुलेशन, और यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, मैनिपुलेशन की। तो सिंपल आप EIGRP के प्रोसेस में जाइए, वहां पे मैट्रिक वेट्स लिख के जीरो तो आपको रखिए, यहाँ पे आपको रखना है TOS के लिए होता है, तो फिलहाल इसको जीरो ही करिए, आप इसको अभी मत छेड़िए। और ये पांच वैल्यूज है आपकी K1 K2 K3 K4 एंड K5 रिस्पेक्टिवली। K1 क्या होता है, ये थोड़ा याद रख लोगे तो अच्छा है, बैंडविड्थ लोड डिले रिलायबिलिटी एंड MTU, है ना। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, किस किस को करवा रहे हो, बैंडविड्थ और डिले तो थे ही, आप एक और को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, वो आपका क्या है, लोड। तो लोड 0 से 255 के बीच में मान के चलते हो, तो 0 तो आपका बेस्ट है, 255 मतलब आपका बहुत क्राउडेड है ना आपका इंटरफेस जहां से ट्रैफिक जा रही है। ओके, तो ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप देखोगे मैट्रिक्स सेटिंग मस्ट बी आइडेंटिकल ऑन द कनेक्टेड इंटरफेसेज ऑफ टू राउटर्स, है ना। अगर इस राउटर पे और यहाँ पे आप मैट्रिक को छेड़खानी कर रहे हैं, तो हमने EIGRP की नेबरशिप की कंडीशन में मैंने बताया था कि एक तो AS नंबर सेम होना चाहिए दोनों राउटर पे, और दूसरा अगर आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं के वैल्यूज के साथ तो वो भी आइडेंटिकल सेम होनी चाहिए दोनों साइड, अदरवाइज नेबरशिप नहीं आएगी EIGRP की। तो आई गेस इस वीडियो में इतना काफी है ना। तो कुछ अच्छी बातें हमने, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं EIGRP के। अगली वीडियो में बात कर लेते हैं कि ड्यूअल और इसकी टर्मिनोलॉजीज जो मैंने अभी थोड़ा आपको अनऑफिशियली बताई हैं, वो वर्डिंग्स के साथ रहेंगी नोट्स के साथ, और चार पांच जो फंक्शंस है मेजर आपके ड्यूअल के उनकी बात करेंगे आई गेस। फिर उसके बाद हम टोपोलॉजी एंड बाकी डेटाबेसिस की बात करेंगे EIGRP की। तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, बने रहिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।